हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो अगेन बच्चे लोगों बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। लेक्चर नंबर हमारा 2 होने वाला है। जी हाँ, फ्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर नंबर 1 में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था और मैंने आपसे क्वेश्चन करा था क्या आप इसके बाद के लेक्चर्स चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट 99.9 बच्चों ने कहा था हाँ जी सर चाहते हैं और आगे भी ये सीरीज को कंटिन्यू रखिए। तो आपने आदेश दिए, आपने सजेशन दिए और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं। लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे जो कि है गोल सेटिंग। देखिए, ये एक इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, अगर इसको समझ गए राइट, जो कि मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आज के वीडियो में समझाने वाला हूं, सो आपकी एज अ स्टूडेंट लाइफ चेंज हो सकती है राइट। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिएगा राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोल सेटिंग जरूरी क्यों है, ये गोल सेटिंग होती क्या है। देखिए, कोई भी चीज आप करते हैं है ना, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, उसको हम सिंपल सी भाषा में गोल बोलते हैं राइट। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं क्लास 8th में हूँ, 9th में हूँ, 11th में हूँ, 12th में हूँ, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हूँ, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, पीजी में कर रहा हूँ, एमबीए में कर रहा हूँ, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है राइट। पढ़ाई में मन नहीं लगने का ना सबसे नंबर फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि आपके जो गोल हैं क्लियरली डिफाइन नहीं है। आई रिपीट, पढ़ाई में मन नहीं लगने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि आपके जो गोल्स हैं लाइफ के वो क्लियरली डिफाइन नहीं है राइट। देखिए, कोई भी बोलता है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैं सिंपल सी बात ये पूछता हूं उनसे कि क्यों लगेगा भाई पढ़ने में मन, कोई रीजन तो होना चाहिए ना राइट। जैसे कि मान के चलिए आप 11th या 12th में हैं या फिर 8th या 9th में, जो भी आप क्लास में हैं, और आपको यूपीएससी फाइट करना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, मतलब आपको एक ऑफिसर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जो बच्चे का जो एम है वो यूपीएससी है, तो वो क्यों ध्यान नहीं देगा 8th 9th 10th 11th 12th में, जब उसको पता है कि यही वो चीज है जिससे मेरा बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगी, यही वो चीज एडवांस लेवल पे मैं आगे जाके पढ़ने वाला हूं। सो ऑब्वियस सी बात है, उसका मन लगेगा पढ़ने में, उसको पढ़ना पड़ेगा। एक मेरा कोट है, लिख लीजिएगा, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, मेरा खुद का नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर आपका गोल यूपीएससी है ना, तो आपको क्लास 8 से ही वही सीरियसनेस से पढ़ना पड़ेगा जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद हार्डकोर प्रिपरेशन के समय पढ़ते हो राइट। सो अगर आपका गोल है यूपीएससी या बच्चे का गोल है यूपीएससी, तो यार ऑब्वियस सी बात है वो 8th 9th 10th को वेस्ट नहीं करेगा जैसे कि आप बच्चे लोग कर रहे हो राइट। आप में से यार देखो, ये सारी चीजें ना जितने भी लेक्चर्स हैं वो हर्ट करेंगे, आपको हिट करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन रियलिटी यही है राइट। देखिए, मैंने कहीं अभी रिसेंटली सुना है कि यार अगर आपको रियलिटी हिट कर रही है ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता राइट। रियलिटी यार आपको डीमोटिवेट अगर कर रही है, अगर रियलिटी आपको डीमोटिवेट कर रही है, तो आप सपनों की दुनिया में जीरो राइट। तो रियलिटी की पहचान आपको होनी चाहिए राइट। कहने का क्या मतलब है, वापस टॉपिक पे आते हैं कि गोल क्लियरली डिफाइन है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका गोल है, कॉमर्स वाले बच्चे बहुत है मेरे चैनल पे, सीए बनना आपका गोल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आपका गोल है राइट। 11th 12th का वेस्ट नहीं करोगे अगर आपका गोल सीए बनना होगा, आई रिपीट राइट, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी वो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन वहीं से बनेगा। आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए, 11th 12th वेस्ट करोगे, कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो 11th 12th वेस्ट करना, नहीं कर सकते राइट। क्योंकि यहां पर क्या है, गोल क्लियरली डिफाइन है, सीए बनना है, सीएस बनना है, आईआईटी में जाना है। आपको बहुत सारे बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यार 11th 12th को आप लाइटली ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते राइट। सो अगर आपका गोल होगा ना, तो पढ़ने में अपने आप मन करेगा, क्योंकि आपको रीजन पता है, आपको रीजन पता है कि यार यूपीएससी क्रैक करना है, ऑफिसर बनना है, पढ़ाई के थ्रू ही मुझे बनना है, तो यार 9th 10th 11th 12th में कैसे वेस्ट कर सकता हूं जब मेरा गोल ही क्लियरली डिफाइन है। यहां तक क्लियर हो गया यार, गोल नहीं होना उसी तरीके से लॉजिकल है।
कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो और आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है, क्या करोगे? घूमते रहोगे, बस में बैठे हो, बस वाले ने पूछा कहाँ जाना है, आपको नहीं पता। लाइफ में वही चल रहा है आपके, आप सिर्फ कोर्स पे कोर्स, डिग्री पे डिग्री लेते जा रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल में डेस्टिनेशन नहीं पड़ता। इसलिए हो क्या रहा है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो उस पर अपना 100% नहीं दे पा रहे। इवेंचुअली बच्चा लोगों, अगर आपको अपना गोल पता होगा ना, तो आपको वो मोटिवेशन आएगी यार, इनर मोटिवेशन आएगी कि यार मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे ये नौटंकी वाला जो आजकल चल रहे हैं, डिस्ट्रेक्शन चल रहे हैं, उससे हटकर मुझे एक रियलिस्टिक कैरियर बनाना है, राइट? सो आप किसी भी टाइम को, किसी भी फेज को, लाइफ के किसी भी दिन को वेस्ट नहीं करोगे अगर आपको अपना एक गोल पता है। अब आते हैं गोल सेटिंग में, राइट? गोल सेटिंग में क्या है, गोल कैसे सेट करना है? सबसे पहले तो आपको तीन लेवल पे गोल सेट करने हैं, सिर्फ तीन लेवल पे। आपको 5 साल बाद क्या बनना है उसका एक गोल सेट होना चाहिए, 5 ईयर्स डाउन द लाइन आपको क्या बनना है वो एक ब्रॉड पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। 5 साल का गोल सेट करना है एक, दूसरा गोल सेट करना है 1 साल का, तीसरा गोल सेट करना है पर डे का, हर एक दिन का। आई रिपीट, सिर्फ तीन गोल पे हमें फोकस करना है, 5 साल बाद हमें क्या बनना है, 1 साल बाद हमें क्या अचीव करना है, और हर दिन हमें क्या करना है। अच्छा, ये जो 1 साल का गोल है और ये जो हर दिन का गोल है, कहीं ना कहीं ये मैच करेगा आपके 5 साल के गोल से। एग्जाम्पल देता हूँ, राइट? ग्रेजुएशन के बाद पता है आपको कि यूपीएससी फाइट करना है, पढ़ना पड़ेगा, जोरदार पढ़ना पड़ेगा, जो भी आप लेवल पे हैं उस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आपका देखिए लेवल क्या होगा, डायरेक्टली वो मैच नहीं करेगा आपके लेवल से, क्योंकि ऐसा नहीं होगा क्लास 10th में है, यूपीएससी फाइट करना है तो यूपीएससी की किताबें आप पढ़ने लग जाओ, साइंस मैथ इंग्लिश छोड़ दो और जनरल साइंस पढ़ने लग जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। दिमाग में है वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट वाला हमें पहले से ही है, पहले से ही हमें रियलाइजेशन है कि यार बहुत तगड़ा हार्डवर्क हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस एरिया होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 साल पे और हर एक दिन पे, सबसे ज्यादा फोकस हर एक दिन पे। बैक ऑफ द माइंड 5 साल का गोल है, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड 1 साल का गोल है, लेकिन पूरा फोकस और अटेंशन हमें सबसे पहले करना है हर एक दिन के गोल में, फिर दूसरा फोकस और अटेंशन जो होना चाहिए वो 1 साल पे, और डाउन द लाइन 5 साल का हमारा गोल तो है ही, यूपीएससी फाइट करना है, क्लास 10th में हो, एग्जाम्पल सही है ना, यूपीएससी फाइट करना है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, क्लास 10th में हो, गोल क्या रहेगा, बोर्ड में 90+ स्कोर करना है, और वो अचीवेबल है, चाहे से आप 50% आपकी 9th में 8th में बनी हो, 10th में 90% बनाना अचीवेबल है। ये गोल हो गया 1 साल का। हर दिन का क्या गोल रहेगा, हर दिन का ये गोल रहेगा कि मुझे स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, इंग्लिश मुझे कितनी देर पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, साइंस मुझे कितनी पढ़नी है, इंग्लिश मुझे कितनी पढ़नी है, जितने भी आपके इंडेक्स हैं ब्रेक डाउन करो, 2 महीने में इतना कोर्स हो जाना चाहिए, 3 महीने में इतना हो जाना चाहिए, वो हर दिन की स्ट्रेटेजी आपकी होगी। अच्छा, डे की स्ट्रेटेजी बनाने वक्त एक चीज गेम चेंजर है, शेयर कर देता हूं आपके साथ, कभी भी टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल मत बना लिया। पर्सनल डेवलपमेंट में ना एक टाइम टेबल वाला कॉन्सेप्ट भी लेके आऊंगा मैं, वहां पर आपको टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा मैं, किसी भी लेवल पे आप हो, राइट? यहां पर इतना समझ लीजिए कि जब भी आप पढ़ने बैठे, जैसे मान के चलिए कल का ही आपको एक टाइम टेबल बनाना है या स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी, तो कभी भी ये स्ट्रेटेजी मत बनाइए इंग्लिश में 2 घंटे पढ़ूंगा, साइंस में 2 घंटा, SST में 3 घंटा, ऐसे नहीं, राइट? हमें स्ट्रेटेजी ना टाइम के हिसाब से नहीं बनानी है, ये बर्डन हो जाता है यार, है ना, कि यार 2 घंटे नहीं दिए, मान के चलो आपने सुबह बनाया था, सुबह 2 घंटे उठ के मैं पढ़ूंगा और आपकी नींद खुल रही है 8 बजे, गया ना वो, और पूरे दिन वही फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि यार सुबह का टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, किसी भी वजह से सुबह टाइम नहीं दे पाए, तो फ्रस्ट्रेशन थ्रू आउट द डे रहती है। गोल कैसे बनाना है, गोल ऐसे बनाना है आपको कि आपको क्या करना है, आपको करना है ये काम कि आपको कितने पेज पढ़ने हैं उस हिसाब से, राइट? कि यार मुझे साइंस के 3 पेज पढ़ने हैं, मुझे साइंस के 30 क्वेश्चन करने हैं, या तो क्वेश्चन या फिर पेजेस या फिर चैप्टर्स, ऐसे बनाने हैं गोल। ऐसे नहीं बनाने कि यार 2 घंटे पढ़ना है 3 घंटा, नहीं, मान के चलिए साइंस के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आप 2 चैप्टर पढ़ने में अगर 8 घंटे लगते हैं तो ठीक है 8 घंटे ही दीजिए, अगर दो चैप्टर जो हैं वो आपके 20 मिनट में हो गए तो 20 मिनट ही साइंस पढ़नी है। हेलो, आई रिपीट, कैसे बनाने हैं गोल, रियलिस्टिक गोल बता रहा हूं, राइट? आपको अगर चैप्टर आपको स्पेसिफिक कर लिया कि आप इस चैप्टर में से 20 क्वेश्चन मुझे करने हैं, अगर वो 20 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे दो, अगर वो 20 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाते हैं तो 10 मिनट ही आप पढ़ोगे उस दिन साइंस, यस और नो?
हो रहा है बच्चों क्लियर? ये गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी वाले ही ये सारे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 11th 12th में हमें ये सिखाया नहीं जाता है, राइट? हम 2 घंटे 3 घंटे में लगे रहते हैं, नहीं। इससे क्या होता है, थ्रू आउट द डे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपकी, भाई मुझे दो चैप्टर करने हैं, रात को 12 बजे करो या सुबह 4 बजे करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मेरा आज का गोल अचीव नहीं होगा। हर दिन का गोल हमें सेट करना है, हर दिन का। रात को सोने से पहले अगले दिन का गोल पता होना चाहिए, कल साइंस में 3 क्वेश्चन, मैथ में 4 क्वेश्चन करने हैं, और SST में 1 चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश में ये पोएम पढ़नी है, सब कुछ, और उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर पढ़ रहे हो, एक दिन में 4 घंटे दे रहे हो, तो आप अनअचीवेबल भी अचीव कर लोगे लाइफ में, सिर्फ 4 घंटे। मैं नहीं बोल रहा 10 से 12 घंटे पढ़ने, नहीं जी। देखो 10 से 12 घंटे वो पढ़ रहा है जो बिल्कुल भोंदू है, जिसके दिमाग में ही नहीं जा रहा है। अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है। कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 6 घंटे मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इफ यू आर रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं हो, हफ्ते में 2 घंटे दे रहे हो, 10 से 12 पढ़ना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम क्यों इतना हार्ड वर्क करें, क्यों इतना टेंशन मोल लें, रोज पढ़ो ना। या देखो, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता है। स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता है। आपका एक ही धर्म है, वो है पढ़ना। जब तक आप स्टूडेंट हो तो उस धर्म को ही निभाओ। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जरूरी था। सेकंड कॉन्सेप्ट, डू स्मॉल थिंग्स इन अ बिग वे। अब ये दो जो कॉन्सेप्ट है समझ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू स्मॉल थिंग्स इन अ बिग वे, लाइफ में ना बहुत बड़ा करने की कहीं पर भी किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, हमें फोकस करना है जो छोटी छोटी लाइफ में चीजें होती है ना, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हमें परफॉर्म करना है, पूरा करना है, राइट? लोग क्या करते हैं, बड़े मौके की तलाश में रह जाते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन हमें छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, मौका मिलता है, उसको ऐसा परफॉर्म करना है कि भाई हमारी पूरी जिंदगी उसी चीज में लगी हुई है। मतलब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे हमें परफॉर्म करना है उन छोटी छोटी चीजों को, कि हमारा नाम हो, रिकॉग्निशन हो। मतलब यार कोई भी चीज आपके पास आ रही है ना, आपसे होकर अगर कोई चीज गुजर रही है, तो उस पर आपका नाम है, उस पर आपकी छाप है, तो आपको वो बेटर और इम्प्रूव्ड बनानी ही पड़ेगी, राइट? इसमें एक कॉन्सेप्ट और ऐड करूंगा, चूज का, सेलेक्ट करने का। देखिए लाइफ में आपके पास 10 जो चीजें आती है ना, 10 जो काम आते हैं, उसमें से 10 के 10 आपको नहीं लेने हैं। आई रिपीट, आपको लाइफ में चूजी और सेलेक्टिव होना पड़ेगा, राइट? नहीं तो दुनिया वाले आपको जो चाहे वो देते रहेंगे। चूजी और सेलेक्ट होना पड़ेगा, हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है आपको, राइट? तो यहां पर क्या करना है, यहां पर 10 में से सिर्फ आपको 2 ही चीजें करनी है, 8 चीजों को आपको मना करना है। चूजी और सेलेक्ट होना पड़ेगा आपको, हर चीज आपको नहीं करनी है लाइफ में, राइट? जब 10 में से 2 के लिए हां बोलोगे ना, एक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल रखो अपने दिमाग में, कि यार आपको ना 1000 जो चीजें ऑफर होती है ना, उसमें सारी चीजें नहीं करनी है, 2 ही करनी है यार। अगर या तो करो मत, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा भी, या तो करो मत, और अगर आपने हाँ बोल दिया करने के लिए, तो उसको इतना अच्छा करना है कि लोग हैरान हो जाएं। 10 में से 2 ही चीजें करनी है, 8 चीजों को मना करना है, लेकिन 2 चीजों के लिए जिनमें हाँ बोलनी है, उसमें रोना नहीं, उसमें कंप्लेन नहीं करनी है, अपना 100% देना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप ये समझ गए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो बहुत जल्दी आपका माइंडसेट जो है वो विनर माइंडसेट हो जाएगा, राइट? तो यहां पर क्या करना है, छोटी छोटी चीजें जो आपको मिल रही है, एक तो सारी चीजों को हाँ नहीं बोलना है, जो हमारे स्ट्रेंथ हमारे लाइक से मैच होती है, वही चीजों को हमें हाँ बोलना है। और अगर आपने हाँ बोल दिया किसी भी काम के लिए, किसी भी काम, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टास्क के लिए अगर हाँ बोल दिया, तो उसमें अपना जी जान हमें झोंक देनी है। यही है सीक्रेट टू सक्सेस। सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं, लिमिटेड चीजें लाइफ में एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर ली, आपने अपना नाम दे दिया कि ये टास्क मैं करूंगा, और जब मैं करूंगा तो इतना अच्छा करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। पॉइंट नंबर 3, बी ओपन माइंडेड। देखिए लाइफ में ना, सुनो सबकी, हर किसी की सुनो, छोटे की सुनो, बड़े की सुनो, फेलियर की सुनो, सक्सेसफुल पीपल की सुनो, जो भी आपको सजेशन दे रहा है, जो भी आप में रिस्पॉन्स दे रहा है, सबकी सुनो, लेकिन लाइफ में ना करनी खुद की है। इससे होगा क्या, देखिए आप सिर्फ यार खुद की सुनते हो ना, तो एक लिमिटेड आइडियाज ही आपके पास आ पाएंगे। ह्यूमन कैपेसिटी लिमिटेड है यार, है ना? एक बंदा, एक तो इतनी अच्छी सराउंडिंग नहीं है आपकी, मेरी भी एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, राइट? तो यार होता क्या है, अपने जो आइडियाज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब आप ओपन माइंडेड होते हैं, सो लोग आपको आइडियाज देंगे,
वो आपके ऊपर है कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। हेलो, क्लियर हो रहा है? जब आप ओपन माइंडेड रहते हैं तो आप सबकी सुनते हैं, किसी को भी आप डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, राइट? आप सबकी बात रिस्पेक्टफुली, ओबीडियंटली, पोलाइटली सुनते हैं और आपको डिसीजन पता है, दिमाग पे पता है कि यार करना तो मुझे अपना ही है, लेकिन जितने ज्यादा मेरे पास आइडियाज होंगे लोगों के, जितने ज्यादा ऑप्शंस मेरे पास होंगे, उन ऑप्शंस में से सही राइट डिसीजन लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तो मेरी होगी। लेकिन अगर मैं फीडबैक के लिए ओपन रहूंगा, ऑप्शंस के लिए ओपन रहूंगा, ओपन माइंडेड रहूंगा, तो मेरे पास जितने ज्यादा ऑप्शन आएंगे उसमें से राइट ऑप्शंस में सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट? जैसे कि देखिए एग्जांपल देता हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बनाता हूं एजुकेशन से रिलेटेड, राइट? मैं एक वीडियोस बनाता हूं या यही वीडियो मैं कमेंट ऑफ कर देता हूं, कमेंट ऑफ कर दिया मैंने, इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि मुझे पता नहीं लग पाएगा कि मेरा वीडियो कैसा परफॉर्म करा है, मेरे में अगर कोई गलती थी तो वो गलती क्या थी, राइट? अगर आप लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, यू हैव टू टेक द फीडबैक। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सीकिंग फीडबैक। एक होता है कि यार फीडबैक मुझे मिले, एक होता है आप खुद चाहें कि आपको फीडबैक मिले। दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड आप में होना चाहिए कि लोग आपको चाहें। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं मुझे फीडबैक दो, अच्छा बुरा जो भी लगा आपको बताओ मुझे, क्योंकि यार वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी लेवल पे आप हो। मैं फर्स्ट वीडियो में भी बोलता था, अब 700 मैंने वीडियो बना लिए हैं, उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि मुझे फीडबैक दो, मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या चीजें पसंद आई, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाते हैं, मैं पूछता हूं, राइट? इससे क्या होता है, आप लाइफ में ग्रो करते हो, आपको पता लगता है क्या चीजें आप गलत कर रहे हो, किन चीजों में आपको इंप्रूवमेंट करना है। योर लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट यार, सेल्फ इंप्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, राइट? जो बंदा इंप्रूव करना जिसने छोड़ दिया, उसकी लाइफ वहीं पर दी एंड हो जाती है, राइट? तो यहां पर ओपन माइंडेड रहना है। जैसे वीडियोस के नीचे बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, हर एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ता हूं, अच्छा होता है एक्सेप्ट करता हूं, बुरा होता है एक्सेप्ट करता हूं, राइट? लाइफ में नेगेटिव को अवॉइड करना भी बहुत बड़ी कला है। देखिए आप कितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं नेगेटिवली रिप्लाई नहीं करता हूं। सोशल मीडिया, मैं बताऊंगा आपको सोशल मीडिया में आपको वेल बिहेव्ड कैसे करना है, अपनी एक प्रेस्टीज रिकॉग्निशन कैसे बनाए रखनी है, क्योंकि सोशल मीडिया में जितनी जल्दी आपके इंसल्ट हो सकती है या आपका नाम कहां से कहां पहुंच सकता है नेगेटिव वे में, आप सोच भी नहीं सकते हो, राइट? वो कैसे कराना है वो आगे वाले वीडियोस में मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए सिंपल सा ओपन माइंडेड रहना है, सबके सजेशन सुनने हैं, आप इंप्रूव कर पाओगे। और लाइफ में ना सब इंप्रूवमेंट ही खेल है। अगर आप 2-3 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज आप हो, तो आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहे। अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो। यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, राइट? अपनी नॉलेज में, अपने स्किल सेट में हमें अपग्रेड करना है। एक और कोट, कोट की दुकान है यार मेरे पास, राइट? एक और कोट है कि यार आप में और आपका जो सक्सेसफुल सेल्फ है, मतलब जो आप बनना चाहते हो, उसमें एक ही चीज का फर्क है, वो है स्किल सेट का। अभी आप जो हो और फ्यूचर में जो सक्सेसफुल पर्सन आप बनना चाहते हो, उसके बीच में स्किल सेट का ही फर्क है। वो स्किल सेट जितना जल्दी आप एक्वायर करोगे, उस पर उतना वर्क करोगे, ओपन माइंडेड रहोगे, अच्छा नेटवर्किंग बनेंगे, अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, फीडबैक लो, इंप्रूव करो, यही लाइफ का खेल है। हो रहा है बच्चों? सम अप करता हूं तीनों को। गोल सेटिंग करनी है 5 साल की 1 साल की हर दिन की, राइट? गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल होगा तो मोटिवेशन अपने आप आएगा, राइट? डू स्मॉल थिंग इन अ बिग वे, छोटे छोटे काम, राइट? 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जी जान लगा दो। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। ये नहीं बोलना है, कई बच्चे बोलते हैं सर अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरा पसंदीदा काम नहीं है, मुझे जब अपना मन पसंदीदा काम मिलेगा तब मैं हार्डवर्क करूंगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आपको यूपीएससी बनना है तो वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर आपको क्लास 10 से ही लाना पड़ेगा, राइट? जो भी चीज आपको बननी है उसकी आदत आपको डे फर्स्ट से ही डालनी पड़ेगी। वो पर्सनैलिटी में चीज आएगी, जैसे ही जितनी जल्दी वो आपकी पर्सनैलिटी में चीज आएगी ना, उतनी जल्दी आप वो पर्सन बन जाओगे। हेलो, क्लियर हो रहा है? बी ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड रहो यार, फीडबैक लो, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। सिंपल है, सोबर है। उम्मीद कर रहा हूं लेक्चर 2 आपके पसंद आया होगा। लेक्चर 3 आने वाला है विद इन 1 or 2 days में, वो भी मैं रिलीज करूंगा। प्लीज मुझे इस वीडियोस में आपका प्यार चाहिए, सजेशन जो हैं आपके लिए बहुत सारे मैं और वीडियोस में भी लाने वाला हूं। ये शेयर करना मत भूलिएगा अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ, और मुझे गोल सेटिंग एक्सरसाइज का पार्ट
प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताना कि आपका 5 साल, 1 साल और हर डे का क्या गोल है, कौन सी एक चीज जो आप बड़े तरीके से करना चाहेंगे, स्मॉल थिंग, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये तीनों टॉपिक कैसे लगे और किस टॉपिक्स पे आगे भी फ्यूचर में वीडियोस चाहते हैं मुझे बताते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं किसी और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।